नमस्कार साथियों, दागजब हरियाणा में आपका स्वागत है। रात का एक बज चुका था, फेरों की तैयारी चल रही थी। फिर दुल्हा और उसके पिताजी पर आरोप है कि वह एक साइड जाते हैं और फॉर्चुनर व कैश की डिमांड करते हैं, तो सारी रात दुल्हन है वो सजी सजाई बैठी रहती है। तो ये मामला है जो करनाल के सेक्टर 12 का है और लड़का जींद का रहने वाला है, नाम है नसीब, और जो लड़की है वो बागपत के, जो पैतृक है वो बागपत के रहने वाले हैं। तो डिमांड आते हैं यहाँ फॉर्चुनर गाड़ी और जो 20 लाख रुपए कैश की। तो पूरी कहानी क्या है, पूरा माजरा क्या है, हम आपको बताने वाले हैं। लड़का एग्रीकल्चर में साइंटिस्ट है और अगर लड़की भी बहुत पढ़ी लिखी है, शिक्षित है, तो LLB, LLM और PhD है। तो लड़के ने अंगूठी व सोने की चैन वापस लौटा दी थी। तो ये लड़के ने बताया है कि हमने जो सोने की चैन व अंगूठी है हमने वो वापस कर दी है। तो अभी ये जो दहेज का मामला बना है, इसकी क्या कुछ, जैसे अभी अकोदा में एक जो BSF SI था उस पर भी आरोप था कि उन्होंने गाड़ी और जो और भी था कैश भी मांगा था, तो उनकी रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी, लेकिन इनका ऐसा कुछ अभी तक सामने नहीं आया है। लड़की के पिता के अगर पैसे की बात करा तो वह केंद्रीय विभाग के NDRI संस्थान में सीनियर अधिकारी व डॉक्टर हैं। लड़के के पक्ष, जो लड़का है उसके पक्ष ने कहा कि हम बेकसूर हैं, हमने कोई गाड़ी व कैश नहीं मांगा है। तो ये बात पूरी रात चली है और पुलिस प्रशासन भी, 112 वाले पुलिस प्रशासन भी वहाँ पहुँच चुका था, यानी 112 की जो गाड़ी है वो भी वहाँ पर पहुँच चुकी थी, और जो इसकी जांच की जा रही है कि किसने क्या कुछ मांगा है। तो ये करनाल के जो पैलेस में ये शादी समारोह चला हुआ था, यानी पूरी रात दोनों पक्षों में बहस बनी हुई थी। जो लड़का है, लड़के के द्वारा बताया जा रहा है कि मेरी सैलरी बहुत है, मैं अपनी कमाई से जो गाड़ी है वो ले लूँगा। तो अभी मैं लेने का इच्छुक भी नहीं था, तो बाद में ये गाड़ी ले लूँगा। तो उसमें 2.5-3 लाख रुपए सैलरी बताई जा रही है और जो लड़का है वो बाद में लेने की बात कर रहा है। लेकिन जो अभी मामला सामने आया है, और जो लड़की पक्ष ने गाड़ी और पैसे सुबह देने का भी उन्होंने वादा किया था, लेकिन जो लड़की का परिवार है वो बोल रहा था कि हम सुबह आपको गाड़ी और कैश दे देंगे, लेकिन मामला पूरी रात को खींचा रहा और पुलिस प्रशासन भी वहां पर पहुंच गया था। तो देखते हैं इसमें कौन कसूरवार है और कौन बेकसूरवार। देखो, गलती तो है, तभी ये मामला पूरी रात चला है, और जो लड़की है वो सजी संवरी बैठी रही और दूल्हा है वो, उन्होंने भी फेरे नहीं लिए हैं। तो ये मामला पूरी रात चलता रहा और लड़की भी बेचारी सजी सजाई बैठी रही है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो डाउरी का केस चला हुआ है, जो ये दहेज के केस चले हुए हैं, इसमें क्या कुछ लगता है, या फिर कुछ ज़्यादा ऐसा हो सकता है कि इसमें जो अफवाह और जो झूठ है वो भी इसमें ज़्यादा इंक्लूड होने लगी है। तो आपका क्या कुछ मानना है, वो आपने एक सभ्य कमेंट के जरिए अपनी राय रखनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।